फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टाइल ऑफ क्रिएटिविटी। आज हम कुछ डिफरेंट सर्दियों के लिए देखभाल कैसे की जाए अपनी स्किन की, उसके लिए हम बात करेंगे। आज हम जो एक चीज रेमेडी बनाने वाले हैं, ये है जो कि हमारी नाइट में एज ए नाइट क्रीम यूज करनी है, और इसमें हमने सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स लगभग यूज किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमने क्या क्या यूज किया है। इसमें हमने किया है कैस्टर ऑयल यूज। कैस्टर ऑयल बहुत स्किन को नरिशमेंट देने के लिए काफी अच्छा होता है। ये हमारा है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल आप जानते ही हैं, इसको हर तरीके से हमारी बॉडी में यूज किया जा सकता है। हम इसको पीते भी हैं, खाते भी हैं, कुकिंग भी करते हैं, बॉडी पे भी मसाज करते हैं, और इसको हम अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एलमंड ऑयल। ये हम जिसे बादाम रोगन भी कह सकते हैं, और ये किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा जो, वो है हमारी ग्लिसरीन। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसके लिए एक आपको साफ कंटेनर की भी जरूरत पड़ेगी, जिसमें कि हम ये अपनी नाइट क्रीम भरकर रख सकते हैं। अगर आपके पास कांच की है कोई पॉट तो बहुत ज्यादा अच्छा है, नहीं तो आप किसी प्लास्टिक के छोटे कंटेनर का भी यूज, इस तरीके के कंटेनर का यूज भी आप कर सकते हैं। जो भी आप पे कन्वीनियंट है वो ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कांच का लेंगे तो ये प्रेफरेबल रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। आप देख सकते हैं इसका ढक्कन भी थोड़ा ठीक से ही टाइट है, ढीला नहीं है, जिससे कि हमारी क्रीम ना तो गिरेगी और ना इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। ये एलोवेरा है, जो कि फ्रेश एलोवेरा डंडी है उसकी, उसको मैंने एक 2 इंच के टुकड़े में काट लिया है और इसका पल्प निकालूंगी। इसका पल्प भी आसानी से निकल जाता है और ये पूरी बॉडी के लिए वैसे बहुत अच्छा है। इसका पल्प पिया भी जाता है, बहुत तरीके से मेडिसिन्स में यूज होता है। आजकल हर ब्यूटी प्रोडक्ट में लगभग इस एलोवेरा का यूज होता है। तो आज जो हम ये बनाने जा रहे हैं उसमें भी एलोवेरा यूज कर रहे हैं हम, जिससे आपकी स्किन हमेशा हेल्दी रहेगी और इसके बेनिफिट्स आप कुछ टाइम बाद यूज करके खुद ही महसूस कर पाएंगे कि ये कितना अच्छा रहता है स्किन के लिए। तो इसको हम पूरा निकाल लेंगे अच्छे से। देख रहे हैं आप कि बड़ी आसानी से इसको निकाल पा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं हो रही है। और जितना मोटा आपकी ये स्टैम होगी इसकी एलोवेरा की, उतना ज्यादा जेल निकलेगा आपका। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मेरी बहुत ज्यादा मोटी नहीं थी, लेकिन फिर भी इसमें से जेल अच्छा खासा निकल चुका है। तो अब हम इसको एक साइड में रख लेंगे और आगे देखते हैं। ये मैंने एलोवेरा का जूस निकाल के रखा हुआ था, तो सबसे पहले मैं इस एलोवेरा के 1 चम्मच के करीब एलोवेरा का जूस है, इसको देखिए पल्प दिखाई दे रहा है इसमें, इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से मैश कर लेंगे। ये आसानी से मैश हो जाता है। अगर आपको ये प्रॉब्लम लगता है कि चम्मच से मैश नहीं हो रहा है किसी वजह से, तो आप इस तरीके से इसको हाथ से भी मैश कर सकते हैं। ये आपकी बॉडी को, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं तो वो आपकी बॉडी को नरिश करते हैं और हेल्प करते हैं आपकी बॉडी को हेल्दी रखने में। तो अगर आप रेगुलर वे में इसको यूज करते हैं तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो हमने सबसे पहले एलोवेरा लिया और एलोवेरा का पल्प निकाल के उसको इस तरीके से चम्मच से, फॉक से, अगर आपको लगता है कि हाथ से करने में प्रॉब्लम लग रहा है तो आप ब्लेंडर को भी यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इसको किस तरीके से लेना चाहते हैं। देखिए ये इसका पल्प बिल्कुल मेल्ट हो गया है एक तरीके से, अब इसको हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जो हमने कैस्टर ऑयल लिया था उसका हम 1 स्पून इसमें डाल देंगे। 1 स्पून हमने कैस्टर ऑयल लिया है। ये हम नाइट क्रीम के लिए बना रहे हैं, तो आप इसको कोई भी यूज कर सकता है, और इसके लिए इसको रात को बस लेके मसाज करके और सोना है। फिर हमने इसको कोकोनट ऑयल को लेना है। कोकोनट ऑयल भी हम लगभग 1 चम्मच के करीब लेंगे। ये थोड़ा विंटर्स का टाइम है तो ये थोड़ा सा जम जाता है, तो अगर आप देखें तो मैं इसे मेल्ट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने जो गोले का तेल था, कोकोनट ऑयल था, उसको मैंने मेल्ट कर लिया है और ये लगभग 2 स्पून के करीब मैंने ये लिया है। आप इसको 2 स्पून के करीब ले सकते हैं। हमने 1 स्पून कैस्टर ऑयल लिया है और 2 स्पून हमने कोकोनट ऑयल लिया है। अब इसमें हम लोग बादाम का तेल डालेंगे, बादाम श्री डालेंगे। ये हमने 1 ही चम्मच लेना है, इसको ज्यादा क्वांटिटी में हमको नहीं लेना है। ये 1 चम्मच हमने डाल दिया है इसमें।
अब हम इसमें एक चम्मच हम ग्लिसरीन, ग्लिसरीन हमारी बॉडी में जो भी डैमेज हो जाता है उसको रिपेयर करती है, और इसका भी हम एक स्पून इस मिक्सचर में डाल देंगे। और ये हमारा मिक्सचर इस तरीके से ये रेडी हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि अभी थोड़ा सा सारा मिक्सचर अलग अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ी देर इस तरीके से फेंटेंगे तो ये फेंटने से इन सब चीजों को मिक्सिंग में बड़ी हेल्प हो जाती है, और जो खास तौर से हमारा जो फ्रेश एलोवेरा है उसको मिक्सिंग में थोड़ी सी देर लगती है, क्योंकि ये सारे ऑयल हैं वो लिक्विड हैं, लेकिन जो हमारा एलोवेरा है वो जेल फॉर्म में है तो उसको मिक्स होने में टाइम लगता है। आप इसको थोड़ा सा ब्लेंड भी कर सकते हैं। अब आप देखिए मैं इसको अच्छे से ही फेंट रही हूँ, जिससे कि सारे ऑयल्स आपस में मिक्स हो जाएंगे और एलोवेरा भी उसके साथ। अब देख रहे हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी में भी डिफरेंस आ रहा है इसको ब्लेंड करने की वजह से, क्योंकि ये सारी चीजें मिक्स होके एक क्रीम का फॉर्म ले लेंगी, और इसको जब तक फेंटना है जब तक ये और अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। इसमें हो सकता है आपको 1 से 2 मिनट फेंटने की जरूरत पड़े। ये ब्लेंडर से भी फेंट सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत कम अमाउंट है तो ब्लेंडर इसको अच्छे से ब्लेंड नहीं कर पाएगा, उसी में चिपका रह जाएगा। तो इसलिए अगर आप इस तरीके से ही चम्मच से यूज करते हैं या फॉर्क ले लेते हैं तो देखिए ये काफी हद तक जेल फॉर्म में ही पूरा कन्वर्ट हो गया है। अब इसको हमें और फेंटना है। इसकी कंसिस्टेंसी का आपको ध्यान रखना है कि ये एकदम से मिक्स हो जाना चाहिए सभी चीजों के साथ, और जब आप ये रात में फ्रेश होके फेस वॉश करने के बाद इसको अप्लाई करेंगे तो इसकी जो मसाज है वो आपकी बॉडी को नरिश कर देगी, और ओवरनाइट जब इसको आप छोड़ देंगे तो ये आपको रिंकल फ्री, जिसे कहते हैं एजिंग, एंटी एजिंग क्रीम भी आप इसको नाम दे सकते हैं। नाइट क्रीम तो है ही ये, लेकिन ये आपकी एंटी रिंकल क्रीम भी एक तरीके से बन जाती है। और देखिए ये काफी गाढ़ी हो चुकी है और सारा कुछ एक साथ हो चुका है, और इसको आप थोड़े ही थोड़ी क्वांटिटी में बनाएंगे तो ये फ्रेश ही आप यूज कर सकेंगे। ये लगभग 15 से 20 दिन के लिए हो जाती है, क्योंकि बहुत कम अमाउंट इसका लगता है। तो इस तरीके से आपने जब फ्रेंट लेना है तो आप इसको, अब इसको, ये हमारी रेडी है इस तरीके से। देखिए ये सारा कुछ मिक्स हो चुका है, अब इस बाउल में कुछ भी अलग नहीं दिखाई दे रहा है, सब एक साथ ही मिक्स हो रहा है, तो एक साथ ही फ्लो कर रहा है। इसी टाइप की कंसिस्टेंसी आपको बना लेनी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो काफी वाइट हो चुकी है ये। इसको हमने फेंट लिया है, मिक्स कर लिया है, और हम सारा कुछ इकट्ठा करके इसको अब हम इसको कंटेनर में ट्रांसफर कर सकते हैं। 1 मिनट और थोड़ा सा इसको रब करने से ये होगा कि जो हमें ये साइड में हमारी चिपकन दिखाई दे रही है, जो हमारे एसेंशियल ऑयल्स हैं सारे, वो अलग दिखाई, अभी थोड़ा बाउल में चिपके रह गए हैं, तो आप उसको इस तरीके से मिक्स करके एक, देखिए कितनी बढ़िया क्रीम का जैसा हमारा ये फॉर्म इसका आता जा रहा है। आप देख सकते हैं ये हमारी नाइट क्रीम, एंटी एजिंग क्रीम, और ये क्योंकि हमारी सब नेचुरल टाइप की ही चीज़ें हमने इसमें यूज़ की है, फ्लैश एलोवेरा है, आलमंड ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, और हमने इसमें ग्लिसरीन का यूज़ किया है, तो ये सब चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए, हमारी स्किन के लिए बड़ी ही अच्छी हैं। इसको हमेशा जब भी अप्लाई कर रहे हैं आप, हमेशा फेस वॉश होना चाहिए, कोई भी मेकअप टाइप की या कोई भी क्रीम पहले से लगाई हुई इसमें नहीं होनी चाहिए। अब देखिए फाइनली ये बिल्कुल फ्लफी हो चुकी है, जो कि क्रीम की फॉर्म में ही लग रही है, और इसको हम एक कंटेनर में ट्रांसफर कर लेंगे। ये हमारा जो कोकोनट ऑयल है, ये हमारे लिए जितना हम नेचुरल ले सकते हैं इसको वो हम प्रेफर करेंगे। कुछ लोग इसको कोकोनट का जो फ्रेश ऑयल निकलता है रेडी में वो भी इसको यूज करते हैं। देखिए इस तरीके से ये हमारी क्रीम
रेडी हो चुकी है और इसको हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि कभी खुला नहीं छोड़ेंगे और इसको जितना भी यूज करना है, देखिए मैं आपको यूज करके दिखाती हूँ। ये बिल्कुल क्रीम की फॉर्म हो चुकी है और देखिए बिल्कुल सॉफ्टली एकदम ब्यूटीफुल सी स्किन का टेक्सचर इसको लगाते ही आ रहा है। और इसको हम मसाज करेंगे और जब भी हम मसाज करेंगे तो आप हमेशा राउंड पोजीशन में ही करेंगे, सर्कुलर मोशन में ही करेंगे आप, और उससे हमेशा आपको इसका बेनिफिट होगा। आपको ये मेरी रेमेडी कैसी लग रही है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। और अगर आप ये नाइट क्रीम बना के यूज करते हैं तो उसके जो यूज करने से आपको डिफरेंस महसूस होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए ये आपकी क्रीम जो है बिल्कुल बनकर रेडी है और इसको आप यूज कीजिए। थैंक यू।